अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंटरटेनमेंट टीवी तो जहाँ मौसम परी नाल गल बोहण तो हाजिर बैठो डाडे सवाल वाल ठीक हो फिट फाट खाए जी रहते नाज़रीन। आज का यह टॉपिक है सदाम जड़ा है ना बलोच छोटी जरीन दा है डी जी खां डिस्ट्रिक्ट दू नाज़रीन। गल है वो थी दुबई दे विच काम करना हा, उठे नहीं करना हा, मजदूरी मेहनत मजदूरी करना हा। अज का गाल करना मकसद यह है कि भाई वालदेन के पिछू उन्हें खुदकुशी की थी, कफील भी उन्हें झगड़ा करना है, तनख्वाह भी नहीं घट है, तो वालदेन को चाहिए है कि भाई मेहरबानी करें, इतना प्रेशर ना लेकिन बंदा परदेस से बचे असा भी परदेस ही हूँ परदेस से खड़ू से गाल आखण मकसद यह है कि भी बंदा सोचें दे कि भी बंदा परदेसी कहे हिसाब में बैठे सारी दीवार बंदा मेहनत मजदूरी करें दे शाम को टुको आप पकान बंदे बाकी जरा काम कार भी आप खड़ोगे कपड़े की मंजिल तक भी आप धोने पौना क्या है भी चार पैसे बचा तो बंदा मुल्क फिर इतना परदेसी बंदे जो बड़े औखे होंगे ना तो पाकिस्तान जो बैठे ना उसे कहते पैसे भेज छुड़वा इतने पैसे भेज छुड़ी घर से फलान कर फलानी शायद जानी फलानी चीज़ से सब जरूरत है लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई असारे बाल जो इन काम क्या कर दें वालदीन इन वो परेशान हैं शादीशुदा अगर अफराद है इतने काम करना वे बोले यार बच्चा और पैसे जोड़ के ना चलो मेरे पिछू घर सुख थी उन्हें तो घर वाले का हाल ये है पैसे वास्ते मजबूर कर दें वालों आखन दिन के भाई अगर कट्ठे कंबाइन फैमिली है यानी कि बंदे जो है जॉइंट होंगे बंदे बिरात ही आपस के कट्ठे रहने में सारे वाल आपस के बिरा के समझा वालदेन के सन आपस क्योंकि भाई पैसे लुके ना खड़े वो आज थे खड़े कितनी खड़े कि खड़े हालांकि होंगे सारे कट्ठे हैं लेकिन उन्हें आपस एक बे की काना फुसे सरह के बंदे की सारी आदत है एक बे को भड़कावन की इं की मैंने फलाना की मैंने फलाना अपने पैसे बढ़ी मेरे इतनी मेरे दूसरा दोस्त ने उन्होंने मेरे को भी यह गल की कि भाई देख सारे पाकिस्तान के जाके उन्होंने सारे ग्रां ये हाल थी पेन सारे वालदेन बिरा इन्हें के सोच रखे खड़े लिहाजा मैं हाथ बजा तुम्हारे वालदेन को देगू भी ठीक है भिरा में देगू भी कि भी मेहरबानी करो ये सोच ना रखा करो परदेस बड़ा औखा है इतना लोग आमद कमेंद करें दिन इतना एक दरख्त है पैसे पैसे पटने पा दरख्त है इतना आप मेहनत मजदूरी करें आप पढ़े आप खमे कमात है खमदू सुकी है पर भी खाने पौधी है गाली भी सुनने पौधन बर्दाश्त भी करनी पौधी है मकसद अगाल कर मकसद यो है कि भाई वो देखो मजबूर थी कि वो पहले मैं सारे इंटरव्यू में सुने वो कहना भी हूँ मेरा त्रै साल का बच्चा है त्रै महीने का सॉरी त्रै महीने का आखिर मेरा बाल है उन्होंने जरार बिन अपना नबी सही का कोई साहब ही आ ते हूँ साहबी के नाल ना वो ना उन्हें रखे अपने बेटे का हूँ वो कहने की बड़ी मजबूरी नाल तो मेरे को पता है खुदकशी हराम है मैं खुदकशी करना पा अल्लाह भी नाराज़ है लेकिन मैं मजबूरी तय करना पाया कि वालदेन को 800-700 रुपये तनख्वाह थी वाल मेरी 800 रुपये तनख्वाह थी मैं छोड़े बे पास गया 800 रुपये कफील को कहना मेरी तनख्वाह बता वो अग वाल इतना वो कफील तो वो कहनी ना बंदे का पुत्र उन्हें क्या कि चाट शाट मार थप्पड़ मार दिया बे मुल्क वाले जी मिसर दे बदे वो पाकि फॉरमैन बड़े खड़े मसूल जो बड़े खड़ा होंगे उन्हें आखिया भी दो चार जाट डे उन्हें दो चार थप्पड़ मारते क्या थी कि बर्दाश्त करना पै गया वाल जड़ा है ओवर टाइम रहा हाँ रात भी एडे एडे काम करे दूसरा सौ भी जितने ज्यादा पैसे भेजा वो ज्यादा पैसे भेजा रहे वाले ने कहना सी तो पैसे लुके नहीं आखिर थक हार ते वो गोल यह सोची है कि भाई खुदकशी करके ना जो भी दुनिया में वो नहीं जीवन दी वो आखिर मैं जितने पैसे भेजा आके मेरे भिरा को वड्डा भाई आके मेरा इतें ही है सदाम आखना पे आके वड्डा भाई मेरा इतें ही है वो भी पैसे उनको पता है मेरी तनख्वाह कितनी है पैसे जमा भेजना कितने भेजना क्या है क्या नहीं लेकिन वालदेन को समझ नहीं है मुझे बलोच फैमिली का ताल्लुक रखें अल्लाह जन नसीब करे मजबूर थी जो यो कदम चाहते मेहरबानी करना मेहरबानी करे तो ठीक है मैं तो हाथ बधी बैठा परदेसी फिराने वास्ते दुआ किता करो उन्हें कुछ ज़्यादा मजबूर ना किता ज़्यादा तंग ना किता करो परदेस बहुत औखा है इतना बंदे कहते सारा फलाना पुत्र बाहर खड़े सारा भिरा खड़े सारा अजीज खड़े परदेस ना सुख है मिठा ना है लेकिन गल है
کہ بندہ پردیس جو آمدے کیا ان کریں گے، یہ تو سوکھا کہنے، یہ تو عذاب ہے، بندہ عذاب بھگتے ہیں، کاروبار ہیں جو جیویں کیویں، لیکن فیملی کو دور رکھی بنی یاد نہ رکھے، لیکن پردیس پردیس ہے نا، اپنا سونا ملک جڑا ہوگا انہیں پتہ لگ دے، سونا پاکستان سرا، پاکستان زندہ باد، دعا کرو، اللہ رحمت کرے، ٹھیک، السلام علیکم.